इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हम बहुत ही आभारी हैं कि मदीना फाउंडेशन ऐसे इस वक्त में लोगों के काम आ रहे हैं, वो आगे आए हैं, ऐसा एक चैरिटेबल सेंटर बनाए हैं कोविड केयर के लिए, और सारे उनका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूज़ करके सारे जो चाहिए इक्विपमेंट और मटेरियल्स वो सब प्रोवाइड किए हैं। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम फॉर दिस वेंचर एंड आई रियली होप दैट इट सक्सीड्स। एंड मुझे ये भी लगता है कि और भी जो लोग हैं डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ वर्कर्स वो भी आगे आए और ऐसे एफर्ट्स को सपोर्ट करें, अपने फ्री टाइम में सपोर्ट करें अपने काम के साथ साथ, और यू नो मटेरियली सपोर्ट करें, फिनेंशियली सपोर्ट करें, मॉरली सपोर्ट करें। ऐसे एफर्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, ये दिखाता है कि हम ट्रूली सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स है वो कोरोना वॉरियर्स नहीं है, लेकिन सोसाइटी के जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कोरोना वर्कर्स हैं। थैंक यू। ज़हीर भाई की लीडरशिप में जितने जो सारे लोग जुड़े हैं, आज से नहीं पिछले एक डेढ़ साल से जब लास्ट ईयर फ्लड्स हुए थे पूरे कंट्री में, जो शहर में जो डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट ने, ऑफिशल्स ने, जो लोगों ने बेलगाम के सराहा है। उसके बाद कोरोना के वक्त में इवन पहले लॉकडाउन में जो लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, अभी जो कोरोना के लिए कोविड केयर सेंटर किया है, जितना तारीफ करें उतना कम है। एक मदीना फाउंडेशन एक आज एक सिनोनिमस हो गया है ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए एक फेस हो गया है। हमारे हमेशा कभी भी कोई इंसानियत को या सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को, हमारी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो पहला चीज़ इसके आगे पूरे बेलगाम सिटी के नाम मुंह पे आएगा मदीना फाउंडेशन के। वो लोग अपना सब काम धंधा सब छोड़ के कौम की और इंसानियत की मदद के लिए आएंगे, और जो काम हो रहा है यहाँ पे कोविड केयर सेंटर जो प्रोफेशनल तरीके से करा है, जो डॉक्टर्स जुड़े हैं, जो नर्सेज जुड़े हैं, इट इज़ अमेजिंग। बहुत से प्रोफेशनल जो हॉस्पिटल्स हैं आज वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है, इतने डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मदीना फाउंडेशन की टीम का, जो हमारे पास डॉक्टर्स है, नर्सेज है, जो लोग अपना वक्त दे रहे हैं, जिन्होंने डोनेशन दिया है यहाँ पे फैसिलिटी के लिए। आपका सबका बहुत बहुत मुबारक। आप ना कि सिर्फ कौम की मदद कर रहे हैं, कौम का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उसके अलावा इंसानियत की भी मदद कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम इदरीस अहमद है, मैं आके आज को 5 दिन हुआ, और ऐसा सब अच्छे बराबर है, डॉक्टर वक्टर है, खाना पीना सब फैसिलिटी सब अच्छा है। मैं तो इधर आया था, बहुत हालत ख़राब था मेरी, अभी फ़िलहाल अभी ठीक हूँ, 5 दिन हो गए आज को। हम मदीना फाउंडेशन के हमारे सब भाई लोग बहुत हमारे को मदद करे, उनका लाख लाख करोड़ों का शुक्र अदा करती हूँ मैं। सब मेरे भाई लोग मेरे को बहुत साथ दिए, और मेरे शौहर बहुत सीरियस थे। मैं इधर आए सुगत मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे शौहर को क्या होता कि मेरे बच्चे छोटे हैं, बल्कि मेरे को सबकी दुआ कबूल हुई, आमीन। मदीना रिलीफ फाउंडेशन नमेंगे हिंगे अंत ना इकड़े बा इले बंद अडमिट मे नम अगे और इवे पर्वा हुषारे 5 दिवस आते बंद ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತಿ, ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾ ಮದೀನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮದೀನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆತ ನರ್ಸ್ ಆತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಐತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರು ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಐತೆ ಎಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್.
ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಗಿಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೈಸ್ ಚಪಾತಿ ಭಾಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ मुझे यहाँ पर सर लोगों ने मुझे यहाँ पर खिदमत खाल के लिए चुना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सब लोगों की मरीज़ों की सबकी तबीयत को आराम करने के लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल खोला गया है और यहाँ पर सारे मरीज़ों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जा रही है और यहाँ पर मैं ओपीडी में मैं फॉर्म्स फिल करती हूँ 50 रुपये चार्ज लेकर और यहाँ पर सारे मरीज़ों को खाना चाय पानी उनका सारा इंतज़ाम किया जा रहा है उन्हें सब कम से कम खर्चे में उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम यहाँ सर ने बुलाए थे केयर करना बोल कर रहे हैं इसलिए हम बागलकोट से आए थे नर्सिंग स्टॉप इधर सबको जितना अभी 17 पेशेंट एडमिशन हुआ है उसमें 5 पेशेंट अभी डिस्चार्ज हुए सबको अच्छे से ट्रीट करे डॉक्टर सब अच्छे से राउंड्स करे मेडिसिन स्टॉप में अच्छे से टैबलेट लिए सब ऐसे क्योर करके अभी पेशेंट को हम घर मांग रहे थे इसलिए थोड़ा खुशी हो रही है सर। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी है बोल के मैं आ गई थी यहाँ पे होप नहीं था कि लेंगे बोल के लेकिन फिर भी सर ने अपॉइंट किए अच्छी बात है पेशेंट्स भी आए उनको क्योर करना बहुत ज़रूरी था पेशेंट बहुत क्रिटिकल्स थे ऑक्सीजन में लेने के लिए बहुत उनको परेशानी हो रही थी और माशाल्लाह 4 पेशेंट्स अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और जितने भी ब्लड टेस्ट के रूटीन चेकअप्स हो रहे हैं मेरे तरफ से फ्री में हो रहे हैं और जो कुछ भी बाहर जा रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम में हो रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जैसे सर ने बताया विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये सारा सेटअप बना के हाँ एंड जो भी नीडी पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और जहाँ कहाँ पे अभी हमारे जो बेलगाम में बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर्स की कमी थी हॉस्पिटल्स की कमी थी तो ये जो भी कमी है इसको पूरा करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना के इसके ऊपर वर्कआउट करके जल्द से जल्द एक बेहतरीन जो है हॉस्पिटल सेटअप करके माशाल्लाह हॉस्पिटल स्टार्ट भी किए पेशेंट्स को एडमिट भी किए अभी तो मौजूदा हालात में 17 पेशेंट्स एडमिट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज 4 पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं और ये हमारा जो है फर्स्ट डे ऑफ डिस्चार्ज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मदीना फाउंडेशन में हम लोग कोविड सेंटर स्टार्ट किया है ऑलरेडी स्टार्ट करके 1 वीक हो गया है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और जितना हो सके पेशेंट को हम लोग एडमिट कर रहे हैं और ये कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है जितने भी सब कम्युनिटी है आसपास के गांव हैं पूरे बेलगाम के हम लोग पूरा उनको सबको ये करने के लिए मदद करने के लिए तैयार है।